मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं गणपति वाई एस्ट्रोलॉजी से प्रोफेसर ए के चौबे। देखिए मैं आपको एक खास बात बताऊं, कुछ राशियों के लिए अलग अलग बता सकता हूं। देखिए जैसे कि अभी बताऊं सिंह राशि के लिए। देखिए सिंह राशि आपकी राशि, सिंह राशि जो है पांचवी राशि लग्न में पहले भाव में आ गई, तो जो धन भाव है धन भाव में छठी राशि यानी कन्या राशि आ गई। कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध। तो आपके धन के स्वामी बुध हो गए। इस समय जो है बुध कहाँ है, यानी बुध की राशि है कन्या राशि धन भाव में, तो बुध धन के स्वामी हो गए। वैसे तो काल पुरुष की कुंडली के धन के स्वामी तो शुक्र होते हैं, लेकिन आपके खास तौर से आपकी मतलब जो जहाँ जहाँ हर व्यक्ति की अपनी जो कुंडली है उसके हिसाब से सिंह राशि के लिए बुध हैं। तो धन के स्वामी, धन के राजा, धन के मालिक, धन के लॉर्ड बुध। और बुध कहाँ बैठे हुए हैं? देखिए बुध जो है अभी 6 तारीख को वृश्चिक राशि में आ गए, 8वें में। और बुध देखिए यहाँ पर आ गए, जैसे बुध के आने के बाद फिर यहाँ पर सूर्य भी आएंगे और फिर मंगल भी आएंगे, त्रिग्रही राजयोग बनेगा जिसकी बातचीत हमने अलग से की है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आर्थिक स्थिति खास तौर से देखूँ मैं तो, आर्थिक स्थिति में आपको आमदनी जो बुध कराएंगे। और अभी बुध जो है आपके देखिए मंगल और के सूर्य के साथ बुध वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो वृश्चिक राशि का मतलब जो है 8वीं राशि, और आपकी 5वीं राशि पहले भाव में है। तो सिंह राशि वालों आपके लिए जो है आपके जो बुध जो हैं वो यानी 8वीं राशि आ गई, 5, 6, 7, 8 आठवीं राशि आ गई 5वें भाव में, 5, 1, 2, 3, 4 हाँ। तो अब आप देखिए 8वीं राशि आ गई 4थे भाव में आ गई, तो चौथा भाव क्या है? सुख भाव का। तो बुध जो है अभी और मंगल भी जब आ जाएंगे तब और सब 4थे भाव में बैठेंगे, तो आपके धन के स्वामी की बात कर रहा हूँ आर्थिक स्थिति की। धन के स्वामी जिसमें कन्या राशि के मालिक बुध हैं 4थे भाव में हैं। देखिए और 4थे भाव यानी बुध आपके धन के मालिक ही नहीं है बल्कि आपके सुख साधनों के मालिक भी हैं, और वहाँ से दृष्टि पड़ रही है उनकी सामने 10वें भाव में, तो आपके कार्य क्षेत्र के मालिक भी हैं। तो बुध ही आपको देखिए कार्य क्षेत्र में पैसा दिलाएंगे, नौकरी में पैसा दिलाएंगे, और व्यापार है तो व्यापार के मालिक बुध हैं, व्यापार से पैसा दिलाएंगे, बल्कि व्यापार ज़्यादा आपको लाभ करेगा। नौकरी के बजाय व्यापार ज़्यादा सिंह राशि वालों को लाभ करेगा। तो जो भी व्यापार कर रहे हैं आप, उस व्यापार से आपको बुध ही लाभ दिलाएंगे। और बुध संबंधी यानी बुद्धि विवेक वाला काम कर रहे हैं कोई आप, जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, लिखा पढ़त का काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आर्थिक स्थिति अच्छी होने के लिए आपको बुध मदद कर सकते हैं, क्योंकि बुध आपके 4थे भाव में है। तो बुध को अच्छा करने के लिए देखिए आप क्या करें वो मैं बताऊंगा अभी आपको उपाय। और देखिए धन का खर्चा कहाँ से होता है? 12वें भाव से। 12वें भाव कौन सा है, कहाँ है, 12वें भाव कौन है? 12वें भाव में है कर्क राशि। कर्क राशि का मतलब चंद्रमा का मालिक। तो चंद्रमा आपके धन के खर्चे को कंट्रोल करेगा। तो भाई चंद्रमा मतलब आपका मन, तो आपका धन का खर्चा जो है चंद्रमा करा सकते हैं यानी आपका मन। तो अपने मन को अपने कंट्रोल में रखिए, यानी अनाप शनाप बिना ज़रूरत की चीज़ें मत खरीदिए, कोई पैसा मत खर्च करिए, कोई काम की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अरे ये भी ले लो ये भी ले लो, अरे भाई इसकी क्या ज़रूरत है, अभी तो है ये और इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो एक साल बाद ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी तक पैसे क्यों। इस तरह के जो खर्चे होते हैं अवांछित जिनकी ज़रूरत नहीं है वो खर्चों पर कंट्रोल करेंगे आप, तो आपका खर्चा बचेगा तो धन संचय होगा। धन संचय करना बहुत ज़रूरी है कि धन का अचानक से ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। और देखिए चंद्रमा जो है आपका मन का कारक भी होता है, चंद्रमा माता का कारक भी होता है, तो आपको अपनी माता पर भी खर्चा करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है ये कहना मुश्किल है, हारी बीमारी हो सकती है, इलाज के लिए पैसा ज़रूरत पड़ सकती है या कुछ और, लेकिन माता पे खर्चा आपको करना पड़ सकता है। तो
धन का खर्चा कंट्रोल करने के लिए अपनों माता का ध्यान रखिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए और मन का अपना कंट्रोल रखिए। जितना मन कंट्रोल रखेंगे धन का आप अपव्यय रोक पाएंगे। तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी तभी होगी जब आप जो है देखिए धन को कमाएं, ज़्यादा कमाएंगे तो बुद्ध से, और बुद्ध के देखिए गणेश भगवान गणेश होते हैं स्वामी बुद्ध के, और चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव होते हैं। तो चंद्रमा का कंट्रोल, मन का कंट्रोल, चंद्रमा का जैसे अपव्यय बचाने के लिए आप देखिए महादेव भगवान का स्तुति करिए, भगवान महादेव की पूजा करिए सोमवार को खासतौर से। तो देखिए महादेव की पूजा करेंगे तो गणेश जी भी आ गए, महादेव परिवार की करिए गणेश जी भी आ गए उसमें, तो बुद्ध भी आ गए और चंद्रमा भी आ गए। तो आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए खर्चा कम हो जिससे आपका बारहवें भाव में, देखिए विदेश जा सकते हैं तो विदेश जाएंगे तो खर्चा होगा, विदेश में कोई काम है आपका, विदेश में कोई व्यापार है नौकरी, उससे लाभ हो तो अच्छी बात है, पर ऐसे ही किसी वजह से विदेश जाना पड़ गया आपको तो खर्चा होगा आपका, और पैसा आपको कहीं से मिला नहीं तो आपका खर्चा होगा। तो ये खर्चा रोकिए, जाए कोई विदेश जाना बहुत ज़रूरी हो किसी काम से तो आप जाइए, वरना किसी और को भेजिए, कि और अपना खर्चा बचाइए। तो अपना खर्चा अपने मन पे कंट्रोल करके, अपने मन के फालतू चीज़ें ना खरीदिए, फालतू बेकार का पैसा मत बर्बाद कीजिए, बिना उसके खरीदे काम चल सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो अपव्यय को रोकिए और धन को जो आप बताया मैंने बुद्ध की दृष्टि पड़ रही है आपके कार्य क्षेत्र पर, तो वहाँ से पैसा निकालिए, यानी काम अच्छा अच्छा नया नया काम लेकर के उसका पैसा निकालिए। तो गणेश जी की पूजा करें या भगवान शिव की पूजा भी करें, गणेश जी की पूजा करें, तो आपको आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, यानी धन आए, धन ज़्यादा आए और खर्चा कम हो तो ही तो आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। तो सिंह राशि वालों खास तौर से आपको बता रहा हूँ मैं, आर्थिक स्थिति अच्छी रखिए, पैसे का थोड़ा सा इकट्ठा करना शुरू कीजिए तो ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की कभी भी, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप भगवान शिव की उपासना भी करें और भगवान गणेश की भी उपासना करें, जिससे धन आए और धन का खर्चा कम हो। तो मित्रों अभी ये मैंने बताया अभी सिंह राशि के बारे में आर्थिक स्थिति, अब किसी और राशि की चर्चा करूँगा, पर अभी मैं सिंह राशि वालों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ भी लिखो कमेंट में, नहीं लिख सकते तो माँ गणेश आय नमः लिखो और भगवान गणेश का आशीर्वाद पाओ। मित्रों नमस्कार।